ऑर्डर आ गया हम लोगों का। मुझे कोई इतना खास पसंद नहीं आया, खास प्रेजेंटेशन इनकी अच्छी लगी है। तो भाई इन्होंने लिटरली रिफ्यूज कर दिया। तो यार ये बर्गर है कौन सा, इतना खास नहीं मुझे लगा। अस्सलाम वालेकुम फूडीज, क्या हाल चाल है जनाब के। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपका होस्ट आपका दोस्त और मुफाकीर हाजिर है आप लोगों की खिदमत में एक न्यू व्लॉग के साथ। तो जनाब सबसे पहले तो आप लोगों को ईद का दूसरा दिन बहुत बहुत मुबारक हो। तो जितनी आज गर्मी बढ़ रही थी मैंने कहा चलो यार आज जो है सोडा वोडा वाले हैं इनका सोडा ट्राई करते हैं और आप लोगों के साथ उसका रिव्यू शेयर करते हैं। तो अभी हम लोग सदर पहुँचे थे तो हमारी जो है वो ट्यूब बाइक की वो ख़राब हो गई, बिल्कुल फारिग हो गई। तो मैं कह चलो ट्यूब दिलवाते हैं और फिर वहाँ पहुँचते हैं और आप लोगों से रिव्यू शेयर करते हैं, अपनी वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल पे न्यू है हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और आई टाइम को वेस्ट किए अपने बाइक से ही करवाते हैं और निकलते हैं अपनी डेस्टिनेशन पर आ जाए। हाँ तो भाई फूडीज आज की वीडियो में हमें ज्वाइन जो कर रहा है वो है शुक्र अल्लाह पाक का। पहले तो आपको ईद की मुबारकबाद दें, ईद का दूसरा दिन आ जाए तो आप सबको ईद मुबारक। बाकी हम बस हमारी बाइक जो है वो तकरीबन हो गई है सही। तो आप बगैर टाइम को वेस्ट किए अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचते हैं और आप लोगों से रिव्यू शेयर करते हैं। हाँ तो भाई चलें चलो चलो भाई आ जाओ। हाँ भाई फूडीज हम लोग पहुँच चुके थे अपने फूड स्पॉट पे सोडा वोडा पे। तो भाई यहाँ पे जाए हमने इनसे पहले पूछा कि वीडियो बनाने में कोई इशू तो नहीं है, तो भाई इन्होंने लिटरली रिफ्यूज कर दिया। तो हमने कहा चलो ठीक है अगर वीडियो नहीं बना देते आप लोगों के लिए रिव्यू नहीं कर देते तो फिर हमारा फायदा क्या। अब हम कोई और फूड स्पॉट देखते हैं और वहाँ चल के आप लोगों के साथ शेयर करते हैं रिव्यू। हाँ भाई फूडीज जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि हम गए थे सोडा वोडा पे तो उन्होंने हमें रिफ्यूज कर दिया वीडियो बनाने से। यार मुझे नहीं समझ आती आजकल का जो इतना डिजिटल दौर है, हर बंदा चाहता है कि मेरे बिजनेस की प्रमोशन हो प्रमोट करें, हम लोग आके उनको पे करके उनकी प्रमोशन कर रहे होते हैं। पता नहीं इन्हें किस चीज़ का डर होता है जो हम लोगों को रिफ्यूज़ कर देते हैं। इसी तरह थोड़ा वोडा के बिल्कुल साथ ही डोमैक्स दोस्त चले थे, हमने उनसे भी जाके कहा, उन्होंने भी साफ मना कर दिया कि अंदर वीडियो अलाउ नहीं है। तो खैर मैं क्या भाई उनकी अपनी मर्जी है, पता नहीं क्या हम रीजन से आए क्या नहीं है। तो खैर उसको हम छोड़ के हम लोग आ गए आज ऑब्वियसली फाइन बर्गर पे इनको कवर करने के लिए। अब इनका फूड रिव्यू करते हैं आप लोगों के लिए और आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। और अगर बात कर ली जाए इनकी लोकेशन की, आप मुगलपुरे वाला रोड सीधा आएंगे बिल्कुल एट द एंड, ये हमारा होना ज़्यादा बिल्कुल एंड पे जो आपके लेफ्ट हैंड पे आपको ये मिल जाएगा फाइन बर्गर। तो इनका बर्गर मैंने एक आधी दफ़ा पहले ट्राई किया हुआ है, रीसेंट था, टेस्ट में काफ़ी अच्छा था, इकोनॉमिकल था। तो मैंने कहा चले ये मेरे माइंड में था लेकिन आज का जहन में नहीं था कि आज हम इनको कवर करेंगे। तो उनके रिफ्यूज़ करने की वजह से हमने कहा चले अब कुछ तो आप लोगों के लिए करना है। तो आज हम आ गए इनके पास तो अब इनका रिव्यू करते हैं और आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। आ जाए आओ भी फूडीज, ये इनका टोटल मेन्यू है और इजीली आप लोग वीडियो में देख सकते हैं, कोई इतना लंबा थोड़ा मेन्यू नहीं है। इस टोटल का मेन्यू है, इनकी डील्स हैं, शॉर्मास हैं, बर्गर्स हैं इनके पास। तो हमने इनका बर्गर ही ट्राई करना, तो बर्गर में हम देखते हैं क्या वो खाना। बाकी आप लोगों को स्टेशन भी हमने बता दी है और टाइमिंग भी अभी आप लोगों को शेयर कर देते हैं। आओ भी फूडीज हम लोग आ गए इनकी सीटिंग में और माशाल्लाह इनकी जो फैमिली सीटिंग है वो अलग है और लड़के लड़के आते हैं उनकी सीटिंग अलग है और काफ़ी डिसेंट सीटिंग है इनकी, एसी वगैरह लगा हुआ है। और इनकी जो टाइमिंग की बात रही, टाइमिंग इनकी है सुबह दोपहर 1 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक, तो काफ़ी देर तक ये आप लोगों को सर्व कर रहे हैं। अभी हमने इनके मेन्यू में से ऑर्डर किया है इनका चिकन बर्गर और चिकन टिक्का बर्गर, टिक्का पैटी बर्गर सॉरी। तो अभी आता है तो इसका भी हम लोग आपको करके दिखाते हैं। हाँ ऑर्डर आ गया हम लोगों का और हमने ऑर्डर किया था इनका एक चिकन बर्गर और एक टिक्का पैटी बर्गर। तो अब आ गया और इसका खाते हैं और रिव्यू करते हैं आप लोगों को। बेसिकली हाफ मैंने ले लिया, हाफ भैया को दे दिया, टिक्का पैटी आई थिंक है ये। तो प्रेजेंटेशन वाइज तो बस नॉर्मल है, मुझे भी खास प्रेजेंटेशन इनकी अच्छी लगी है। तो बाकी ये बर्गर भी खाते हैं और आप लोगों का रिव्यू शेयर करते हैं। ये बर्गर मुझे भी इतना खास पसंद नहीं आया, नॉर्मल बर्गर है।
इसकी जो पैटी है उसमें नमक बहुत ज़्यादा तेज़ है, पता नहीं उन्होंने खुद बनाई हुई है या परचेसी हुई है बाजार से बनी बनाई। अगर मैं इसको रेट भी दूँगा तो एट आउट ऑफ टेन। हाँ अभी फूड ये हमारा सेकंड बर्गर है और ये हमारा है चिकन बर्गर। और चिकन बर्गर इनकी क्वांटिटी तो काफ़ी अच्छी है बनस्पत टिका पैटी बर्गर के, जो कि हमें वो महंगा मिला। तो अब इसको खाते हैं और आगे देखते हैं। यार मुझे लग रहा है कि ना ये वाला जो है ना ये टिका बर्गर है और ये चिकन पैटी बर्गर है, चिकन बर्गर है इनका सब। पता नहीं वो आता तो मैं एकदम कन्फर्म करता हूँ, क्योंकि इसकी क्वान्टिटी और इसकी क्वान्टिटी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मुझे लगा था कि शायद वो टिक्का पैटी बर्गर है, बाकी अब टेस्ट वाइज कैसा है ये देखते हैं। ये बर्गर इस बर्गर की नस्बत बहुत अच्छा है, अब क्वांटिटी भी ठीक है इनकी। अगर मैं इसको रेट करूँगा तो आई विल रेट 8 out of 10, इसको मैं रेट करूँगा तो 8.5 out of 10 करूँगा तो आप करूँगा। बाकी ठीक है, बर्गर को इतना एक्सट्रीम नहीं है कि बंदा स्पेशली इसको खाने के लिए आए इतनी दूर से। हाँ गरीब हो तो बंदा भी ट्राई कर सकता है। अभी तुमने टिक्का पैटी बर्गर तो खा लिया, अब इसकी रेटिंग बता। ना खास नहीं मुझे लगा, अगर रेट करेगा 10 में से तो क्या है 7। ठीक हो गया, चल आप चिकन बर्गर भी खा के बताओ। ये बेहतर है, हाँ बेहतर है, इससे तो बेहतर है। वो बहुत ज़्यादा ड्राई बर्गर है, ये टिक्का बर्गर जो है इनका बहुत ज़्यादा ड्राई बर्गर है, वो आप किसी भी ड्रिंक के बगैर नहीं खा सकते। तो ये कैसा लगा? 8 नंबर। ठीक हो गया, हाँ भी हमने अपना ऑलरेडी दे दिया, खाना भी खा लिया, रेट भी आपकी ले रही। बेसिकली आप अगर मैं ओवरऑल एक्सपीरियंस को रेट करूँगा तो आई विल रेट 6.5 out of 10। मुझे इनके बर्गर ज़रा पसंद नहीं आए। ठीक है लगा है एक बर्गर कह सकते हो आप, लेकिन एक्चुअली अच्छा बर्गर नहीं कह सकते हो आप। बेसिक जो इनके बर्गर हैं ना बहुत ज़्यादा ड्राई। अगर आपको नहीं है कि ये देखें, हमने 2 बर्गर मंगवाए हैं जिसमें से ये आधा बर्गर मेरा बचा हुआ, अब मैंने छोड़ दिया, उसे नहीं खाया गया भाई, इतना एक ड्राई बर्गर था। और मेरी पर्सनली कोई दुश्मनी तो होती नहीं किसी से, अक्सर लोग मुझसे सवाल करते हैं कि यार तुम किसी भी रेस्टोरेंट पे जाते हो, जाके वहाँ पे एक आधी चीज़ कोई ऑर्डर करते हो और उसको उसके हिसाब से जज कर देते हो। बेसिकली आज मैं उन लोगों को ये जवाब देना चाहूँगा कि अब जैसे ये है बाउजी फाइन बर्गर, इनकी स्पेशलिटी जो है वो बर्गर है। अगर ये अपनी स्पेशलिटी बर्गर्स में ही, मतलब जो उनकी स्पेशलिटी है उसमें ही रन में करते हैं, फिर बाकी चीज़ ऑर्डर करने का क्या फ़ायदा। इसीलिए हमने जिस जगह पे जिस फूड शॉप पे भी जाना है उनकी जो स्पेशलिटी होगी हमने उसको मद्देनजर रख के ऑर्डर देना होता है। बाकी मैं किसी को रिकमेंड नहीं करूँगा इस प्लेस का, हाँ किसी ने खुद जाना है आगे ट्राई करना है कर सकता है, मैं नहीं रिकमेंड करूँगा। बाकी मुझे भी इतना खास करके पसंद नहीं आया आने का। अब अपना बिल्कुल देखते हैं और चलते हैं। तो तुझे कैसा लगा यहाँ का एक्सपीरियंस? बिल्कुल किसी काम का नहीं लगा। सही, मैंने खाया मेरा पेट खराब हो रहा, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है किसी काम का फर्क नहीं। हाँ ऑयली बहुत है, ठीक है, और स्मेल इसमें से आ रही थी। वो फ्रोजन मेरे से यूज़ फ्रोजन मीट पार्ट से यूज़ कर रही है, अपना नहीं अपना रही, ये है कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। चलो ठीक हो गया, हाँ तो भाई फूडीज ये था हमारा आज का रिव्यू आप लोगों के साथ जो हमने शेयर कर दिया, और ये था हमारा आज का व्लॉग। उम्मीद करता हूँ व्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, तब तक ये अपना ख्याल रखिएगा। हालांकि